हरि ओम राम राम। आज हम आप लोगों को ज्ञान बढ़ाने के लिए एक और जड़ी बूटी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इसको पूरा प्रायः भारतवर्ष के सभी छोटे से जंगलों से लेकर के पर्वत श्रेणी तक के जंगल तक मिलता है, हिमालय से लेकर कश्मीर तक के, और पूर्वी भारत से लेकर के आपको पूरा दक्षिण भारत तक के, पश्चिम भारत तक आपको यह वनस्पति मिल जाएगी। इसका नाम है ज्योतिष्मति। ज्योतिष्मति का अर्थ होता है दिमाग में एक प्रकाश को पैदा करने वाली, बुद्धि को बढ़ाने वाली वनौषधि है। इसका संस्कृत नाम ज्योतिष्मति, लेकिन इसको मालकांगनी के नाम से जानते हैं, छत्तीसगढ़ी में पेम, और अंग्रेजी में ब्लैक आयल ट्री के नाम से इसको जानते हैं। तो चलते हैं इसके गुणधर्म को हम बताते हैं। भारतवर्ष में सभी जगह पर मिलता है, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्रों में खूब मिलता है, और आदिवासी लोग इसकी तेल निकालते हैं। लेकिन इसकी तेल में एक गुण कहाँ से आता है, मैं आप लोगों को आज सत्य प्रयोग बता रहा हूँ। जब ये सूख जाता है तो इसमें फटने पर चार बीज निकलते हैं, जिसमें लाल लाल रंग के जो तत्व पाए जाते हैं वही सबसे ताकतवर होता है। उसको अगर धो करके अगर तेल निकाला जाए इसके बीज का, तो उसमें कोई गुणधर्म नहीं होता। यह मेरा अनुभव सिद्ध है, इसी को आप लोगों को बता रहा हूँ। यह कड़वा होता है, तीक्ष्ण होता है, गर्म होता है, कफ पित्त वात को समन करने वाला, पांडु रोग, पीलिया रोग, पेट का दर्द है, और इसका तेल बुद्धि को ठीक करने वाले, प्रमेह पागलपन को दूर करने वाले, उत्तेजक बलकारक होता है, वात प्रकोप को, गठिया वात लकवा को आदि में यह रामबाण काम करता है। यह मस्तिष्क बीमारी को भी पूर्ण रूप से आराम पहुंचाने वाली जड़ी बूटियां हैं। इसमें कई प्रकार की जड़ी बीसिस्टोस्टेरॉल आदि कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जिस किसी को अगर सर में अगर दर्द हो रहा हो तो इसकी पत्ते और जड़ को पीस करके माथे में लगाने में सर का जो दर्द होता है वह दूर होता है। मालकांगनी का तेल निकाल करके सर में मालिश करने से कैसा भी आपका दर्द है उस दर्द को यह निवारण करके हमारे रोगी भाई बहन को लाभ देता है। और जो कोई भाई बहन किसी भी कारण से लकवा से पीड़ित हो और कोई भी कारण है तो उसमें भी यह काम करता है। जैसे कि कोई पागलपन हो गया हो, पागलपन हो गया हो, तो आप किसी के मालकंगनी का बीज लेकर के 10 ग्राम बीज लेना है, माने 1 तोला, और उसमें 10 ग्राम मिश्री मिलाना है, और मिला करके पेस्ट बना करके पीस करके इसको खिलाने से और पानी पिला देने से, इस तरह से अगर आप 40 दिन प्रयोग करते हो तो कैसा भी भयंकर पागलपन से पीड़ित हो, लोहा में जकड़ा व्यक्ति क्यों न हो, पागलपन का रोगी हो, उसको यह पूर्ण रूप से आराम पहुंचाता है। लेकिन इसको 40 दिन तक इसका प्रयोग करना चाहिए। और इसका एक प्रयोग है, हर रोज सुबह खाली पेट इसके 4-5 बीज खा लेते हो, ऊपर से पानी पीते हो, तो यह बुद्धि को बढ़ाने वाली, तीव्र करने वाली, इसलिए इसको ज्योतिष्मति भी कहा गया है, और यह अच्छी औषधि मानी गई। नपुंसकता में हमारी भाइयों को क्या करना चाहिए, मालकांगनी का तेल को खीर में डाल करके पीने मात्र से, खाने से कैसा भी आपका नपुंसकता है उस नपुंसकता को यह दूर कर देता है। और इसके तेल को पान में रख करके दिन में 4-5 बार खाने से, और ऊपर से गाय का दूध और घी पीने से, कैसा भी आपका नपुंसकता रोग जो हो गया हो, ताकत की कमजोरी है, उसको यह पूर्ण रूप से आराम पहुंचाती, यह पूर्ण रूप से अनुभूत सिद्ध है। और कैसा भी आपका घाव हो गया है किसी भी कारण से, कटा फटा हो गया हो, तो ज्योतिष्मति का तेल को घाव पर मालिश करने लगाने से उस घाव में कीड़े पड़ गए हों, कुछ हो गया हो, तो घाव कीड़े को ठीक करके रोगी भाई को जल्दी घाव को भर देता है। और फुसफुस में अगर सूजन हो गया हो तो इसकी जड़ को पीस करके वक्ष स्थल यानी छाती पर लेपन करने से जो फूला हुआ छाती है, जकड़ा हुआ है, उसमें यह रामबाण काम करता है। और इसी की तरह इसके पैर के तलवे में इसका तेल को मालिश करने से आँखों की ज्योति तीव्र गति से बढ़ता है, क्योंकि यह एक चमत्कारी प्रयोग है। जिस किसी भाई बहन को अगर मालकांगनी का बीज चाहिए तो मेरे फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके आप मुझसे मालकांगनी को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं ताज़ा वाला मालकांगनी का बीज मैंने इकट्ठा किया है, तो आप सभी की सेवा के लिए मैं उसको बीज को आपको उपलब्ध करा सकता हूँ, भी वर्तमान में मेरे पास है। और जिस किसी को पामा नाम के रोग हो गया हो तो इसके मालकांगनी के बीज को पीस करके गोमूत्र के साथ में लगाने से कैसा भी आपका पामा, दांत, खाज, खुजली हो, उसमें लाभ होता है।
और जो गठियावास से लकवा से पीड़ित है तो इसके तेल को मालिश करने से लकवा ग्रस्त रोगी को पूर्ण रूप से आराम होता है। और दो चार बूंद इसको तेल को खीर के साथ खिलाने से कैसा भी लकवा रोग हो गया हो उस लकवा रोग में यह रामबाण काम करती है। यह परीक्षित है क्योंकि हमारे इधर छत्तीसगढ़ के वाराणसी क्षेत्र में इसका तेल निकाल करके शरीर में मालिश करते हैं। यह पूर्ण रूप से अजमाई हुई प्रयोग है। और इसके बीज को जोड़ों के गांठ गांठ में दर्द हो रहा हो, सूजन हो, पक्षघात लकवा हो, अर्थराइटिस हो, उसमें मालिश करने से भी अर्थराइटिस पक्षघात लकवा में भी यह ठीक होता है। अब इसके बीज चूर्ण को शहद के साथ खाने से गठियावात और बादी के रोगी में अत्यंत फायदेमंद है यह वनौषधि। तो आप इसका प्रयोग करके लाभ ले सकते हो। जिसको मांसाहारी गोभी की कभी चाहिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर संपर्क कीजिए, मैं दूंगा।